स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। फिल्म की शुरुआत कैटी से होती है, जो दो बच्चों की माँ है और एक फैक्ट्री में काम करती है। वहीं एक गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए घर में ही रहती है और आज ये एक सोशल ऑफिस गई हुई है, जहाँ पर ये बता रही है कि इसके पार्टनर ने इसको धोखा दिया और गायब हो गया। इसके साथ दो बच्चे भी होते हैं यहाँ पर और इनको छोड़कर चला गया होता है। अब यहीं से फिर हम पास्ट में जाते हैं और हम देखते हैं कैटी और उसकी बेटी लिली को। लिली एक बहुत समझदार बच्ची है, वो कैटी के लिए सुबह उठ के खाना भी बना दिया करती है और फिर दोनों नहाकर आराम से स्कूल चली जाती है। कैटी अपनी बेटी लिली को स्कूल छोड़ती है और फिर वहां से वो काम पे चली जाती है। आज यहाँ पर कंपनी में एक आदमी आया हुआ है, इसका नाम पाको होता है और कैटी की नजरें उसी पर अटकी हुई है। लंच में दोनों बाहर मिलते हैं, बातें होती हैं और बस बातें हुई नहीं कि दोनों बाथरूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा ही। अब इसी वजह से कैटी को थकान होने लगी है और बॉस से डांट भी खा लेती है ये। वो कहता है कि तुम आलसी हो गई हो और कैटी लिली को पिक करने भी नहीं आती है, काफी रात को आती है और दोनों फिर यहाँ से घर जाती हैं। अगले दिन पाको फिर से कैटी से मिलता है और कैटी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि इन लोगों ने पहली मुलाकात में काम को निपटा दिया होता है। कैटी कहती है मैं ऐसी लेडी नहीं हूँ। पाको कहता है कि हाँ मैं भी ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ बेटा वो तुम्हें पता ही है कि तू कैसा है। और फिर इसे पाको डेट के लिए पूछता है। कैटी भी बहुत सालों से अकेली रहती है तो वो हाँ बोल देती है। दोनों डेट पर जाते हैं। बेचारी लिली घर में अकेली बैठी अपनी मोम का इंतजार कर रही होती है। पाको लिली के फादर के बारे में पूछता है तो ये बताती है कि वो दूसरी कंट्री में रहता है। पाको भी बताता है कि मेरी भी शादी स्पेन में हुई थी। और डेट के बाद दोनों कैटी के घर जाते हैं और पूरी रात प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं। बेचारी मासूम लिली सो तक नहीं पाती है इनके शोर शराबे से भाई। और अगली सुबह इनको साथ में देखकर लिली को बहुत अजीब लगता है। लिली को पाको में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कैटी से समझा रही होती है और टाइम बीतने के साथ साथ अब कैटी लिली को स्कूल लेने भी नहीं आया करती है तो ये स्कूल बस से घर आती है। पाको इनके घर में ही रहने लग गया, वहीं पर अपना अड्डा वड्डा जमा लिया होता उसने। और ऐसे ही एक साल बीत जाता है और कैटी प्रेग्नेंट हो जाती है। और पाको एक दिन अचानक हॉस्पिटल आता भागता हुआ क्योंकि कैटी को बेबी होने वाला होता है और कैटी एक बेबी बॉय को जन्म देती है। पाको लिली से कहता है हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए। लिली कहती है रिकी। और बस फिर क्या था, ये लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं। पर लिली को अब अकेला फील होने लगा है क्योंकि जब से रिकी पैदा हुआ है कैटी अपना सारा टाइम रिकी को ही देती है और कहती है कि पाको को तुम डैड बोला करो। अब कैटी सारा टाइम रिकी को देती है तो पाको को अपना टाइम नहीं दे पाती है तो इसलिए पाको जो है बाहर दूसरी लड़कियों के साथ मुंह मारने लग जाता है जिसको लिली देख रही होती है। बट लिली कुछ कहती नहीं है और पाको ने अब घर में लेट आना भी शुरू कर दिया है। उसके हाव भाव भी बदल गए हैं। वो कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता हूँ, मस्ती करता हूँ। और इसी बात पर इसकी कैटी से काफ़ी बहस भी होती है पर ज्यादा देर तक ये एक दूसरे से नाराज नहीं रह पाते हैं। जैसे ही रात होता है वैसे ही मतलब हो जाता है इनका। जल्द ही कैटी काम पर भी जाने लगती पहले की तरह और पाको घर में रहकर रिकी को देखता है, पालता पोसता रहता है। और एक दिन कैटी जब घर आती है तो देखती है कि बेबी रिकी के पीठ पर कुछ निशान बने होते हैं। पाको से पूछती है, ये कहता मुझे क्या पता क्या है ये। और अगले कुछ दिनों तक वो निशान बढ़ने लग जाते हैं और बेबी रिकी रोता भी बहुत ज्यादा है। कैटी पाको से कहती है कि तुम मेरे बच्चे को मारते पीटते होगा दिन में। ये कहता है कि नहीं तो। और फिर क्या लड़ाई हो जाती है और पाको को तो बस एक मौका चाहिए था। वो इसे कर लेता है ब्रेकअप और यहाँ से चला जाता है इनको छोड़कर। और ये सब देख कर लिली बहुत खुश होती है कि चलो ये मनोज घर से बाहर तो गया। अब पाको के जाने के बाद लिली बेबी रिकी की देखरेख में लग जाती है और एक दिन कैटी जब घर आती है तो रिकी गायब होता है। इसके पालने में कुछ अजीब सा निशान बना होता है। दोनों जो माँ बेटी होती हैं वो रिकी को खोजने लग जाती हैं। बेबी रिकी क्लोजेट के ऊपर बैठा होता है और नीचे गिरता है तो उसके पीठ पर दो पंख निकल गए होते हैं और इन पंखों को बेबी रिकी जो होता है वो हिलाता भी है। दोनों इसको मिलकर नहलाती है, साफ करती है, ब्लड को हटाती है और इसके पालने को कवर कर देती है कि कहीं बेबी रिकी उड़ के कहीं भाग ना जाए। कैटी लिली से कहती है कि स्कूल में किसी को भी मत बताना इस बारे में। कैटी अब ये सब पाको को बताना चाहती है, उसको फोन करना चाहती है पर फोन नहीं करती है। और विंग्स निकलने के बाद बेबी रिकी बहुत खुश रहने लगा है, जैसे उसकी जिंदगी मिल गई हो। विंग्स भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहे होते हैं तो कैटी इसके लिए ड्रेस डिजाइन कर देती है जिसमें तो छेद होते हैं कि विंग्स बाहर निकल सके। और टाइम बीतने के साथ विंग्स के अंदर बहुत सारे फेदर भी लग जाते हैं। और एक दिन पाको लिली के स्कूल में आ जाता है ऐसे घूमते घूमते और कैटी रिकी का हालचाल पूछ रहा होता है। लिली कुछ कहती नहीं है और यहाँ से भाग जाती है। अब रिकी के लिए हेलमेट भी आ गया है ताकि अगर रिकी उड़े तो इसको चोट वोट ना लगे कहीं पर। ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और इनकी एक लॉटरी लग जाती है। क्रिसमस भी आने वाला होता है तो इसलिए उन पैसों को खर्च करने के लिए ये लोग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने। और माँ बेटी की नज़र हटी और जो बेबी रिकी होता है वो पंख फड़फड़ा के उड़ जाता है ऊपर। मॉल में उड़ता हुआ देख सारे लोग इसको डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, सब इसको पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। हाँ वहाँ सिक्योरिटी वाले भी आगे होते हैं पर बेबी रिकी किसी के हाथ नहीं आने वाला है। कैटी लाइट्स ऑफ करने को कहती है और जो लाइट ऑफ किया जाता है तो बेबी रिकी अंधेरे में नीचे उतर जाता है। अब कैटी को बेबी के साथ हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं
कि हम इसको यहीं पर रखना चाहते हैं, पर कैटी रिकी को लेकर यहाँ से भागने लग जाती है बाहर। पूरी सिटी की मीडिया इसके पीछे पड़ी होती है कि उड़ने वाला बच्चा कहाँ से लाई हो तुम, और जैसे तैसे करके ये घर पे आ ही जाती है। और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, मीडिया वाले इसके घर के बाहर ही रहते हैं, खाते पीते याशी करते हैं वहीं पर कि कभी ना कभी तो अपने उड़ने वाले बच्चे को लेकर बाहर निकलेगी, फोटो खींच लेंगे। और भाई साहब अब मतलब पूरी कंट्री का ये टेंशन बन गया होता है ये उड़ने वाला बच्चा। एक रात्रि की बहुत रो रहा होता है, कैटी उसे रूम में उड़ने देती है और बाहर आ गया है पाको। लिली डोर खोलती है, पाको एंड कैटी इतने दिन बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को सॉरी कह देते हैं और इनके भी सब कुछ सही हो जाता है। पर लिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है और अपने हाफ ब्रदर को बता रही होती है कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। पाको यहाँ पर कैटी से बता रहा होता है कि मैं इतने दिन फ्रांस में एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। ये कहती है कि वहाँ पर कोई लड़की वड़की भी थी तुम्हारे साथ? ये कहता है कि हाँ मैं दो तीन लड़कियों के साथ सोया जरूर था, पर उनके साथ कुछ सीरियस था नहीं मेरा। फिर पाको अपने बेटे से मिलने जाता, मतलब ये हरामी इतने दिन बाद लौट कर आया है, सबसे पहले अपने बेटे से मिलने नहीं आया, सबसे पहले अपनी लुगाई को लेके जो कि उसकी लुगाई है भी नहीं बेडरूम में गया था, वहाँ बहुत अच्छा। अब अगर बेबी रिकी इसको देख कर डर जाता है कि दानों जैसा आदमी कौन आ गया और इसे दूर भागने की कोशिश करता उड़ उड़ कर, बट इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद इसको पकड़ लेते हैं। पाको कहता है कि बेबी रिकी को रूम में हमें नहीं रखना चाहिए, खतरनाक हो सकता है। और कैटी समझ जाती है कि ये हरामी इसको यहाँ पर लेने के लिए आया हुआ है। बेबी रिकी उड़ के चोट लगा लेता है अपने आप को, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो इलाज करते हैं और वो भी सेम बात कहते हैं कि हाँ बेबी रिकी को रूम के अंदर नहीं रखना चाहिए, सेफ नहीं है। और साथ ही विंग्स को भी रिमूव करने की बात कहते हैं, पर कहते हैं कि इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कैटी मना करती है रिमूव करने से। और रात को लिली कैंची उठाकर रिकी के विंग्स को काटने के लिए जा रही होती है, तभी पाको आ जाता है अपने बेबी रिकी को किस विस करने के लिए, तो लिली जाकर चुपके सो जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए पाको कहता है कि हमें इसको मीडिया को दे देना चाहिए फोटो वीडियो निकालने के लिए, ताकि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बने और हमें उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पर कैटी कहती है कि तुम वापस इसीलिए आए हो ताकि तुम रिकी से पैसे कमा सको। पाको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो अपनी फैमिली के पास वापस आया हूँ। और इतनी बातों के बाद कैटी मान जाती है, चलो ठीक है रिकी की वीडियो बना लेंगे हम, कोई बात नहीं। और फिर अपार्टमेंट बाहर सभी मीडियास को बुलाया जाता है और यहीं पर कैटी एंड पाको अपने बेबी रिकी को लेकर आते बाहर। रिकी में रस्सी बांधी गई होती है ताकि उड़ के कहीं भाग ना जाए, और मतलब ऐसे उसको उड़ा रहे होते पैर में बांध के जैसे पतंग हुई है, पर रस्सी भाई साहब छूट जाती है यहाँ से, बेबी रिकी मतलब उड़ जाता ऊपर, कुछ नहीं पता कहाँ गया, सब उसके पीछे भाग रहे होते। भागते भागते काफी दूर चले जाते हैं, सामने एक लेक आ जाता है, बेबी रिकी लेक को क्रॉस कर जाता है उड़ उड़ के, बट ये सारी यहीं पर रह जाते। काफी देर उसका वेट किया जाता है, वापस लौट कर नहीं आता, तो मीडिया वाले भी अपना इंटरेस्ट जो है खो देते हैं बेबी रिकी में से, कहते हैं छोड़ो यार और चले जाते हैं वापस। और कैटी तो एक माँ है ना, तो माँ तो अब मरते दम तक उसका वेट करेगी वहाँ पर, तो बैठी रहती है। बहुत देर हो जाती है बैठे बैठे, रात हो जाती है, डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पर, वो बताते हैं कि शाम हो गई है, हो सकता है रिकी को किसी जानवर ने मार दिया अब तक। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फैमिली मिसिंग पोस्टर यहाँ वहाँ बांट रही होती है बेबी रिकी के, बट कहीं उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और कई मंथ बीत जाने के बाद सब कोई रिकी को भूल गया होता है, पर कैटी तो एक माँ है तो वो कैसे भूल सकती है, वो बहुत मिस करती है और अपनी जान देने के लिए उसी लेक के अंदर जाकर डूबने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर रिकी उड़ता हुआ आता है, उसको देखकर बहुत खुश होती है और रिकी के विंग्स अब बड़े हो गए हैं। रिकी बहुत खुश होता है अपनी माँ को देखकर। कैटी कहती है कि तुम यहीं पर रहो क्योंकि तुम यहीं पर खुश हो रहे हो, यहीं पर बड़े हो रहे हो। और फिर ये यहाँ से चली जाती है और रिकी भी उड़कर यहाँ से चला जाता है अलग। और कैटी वापस घर आकर अपनी फैमिली को हक करती है और कहती है कि आप लोगों मेरी रियल फैमिली। फिल्म जहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।